दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि आप कैसे सीपीए मार्केटिंग में सक्सेस हो सकते हो और क्यों नहीं हो पा रहे, और आप क्या करोगे तो आप सक्सेस हासिल करोगे इन सीपीए मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज सीए, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वो गलतियां जो आप सीपीए मार्केटिंग में कर रहे हो, जो मैं कर रहा था, इसलिए मुझे सीपीए मार्केटिंग से रेवेन्यू नहीं आ रहा था। बेसिकली इस टाइम मैं सीपी मार्केटिंग में ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, और आई थिंक इन फ्यूचर मैं सीपी मार्केटिंग क्विट भी करने वाला हूँ। वो मैं आपको बताऊंगा फेसबुक ग्रुप में कि मैं क्यों क्विट कर रहा हूँ, कि इसलिए क्विट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कि मुझे करने में मजा नहीं आ रहा, बट उसका कुछ और कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा फेसबुक ग्रुप में। तो मस्ट आप भी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे तीनों फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले और आपका जो एड का तरीका है बनाने का वो आप सीख सकें। बेसिकली ग्रुप्स उसी लिए हैं कि नॉलेज वहां हम लोग शेयर कर सकें, तो मस्ट आप उस चीज को ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है एक्शन। आई थिंक आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये स्टोरी मेरे साथ भी हुई है और आपके साथ भी होगी। एक्शन क्या? एक्शन में हमेशा बोलता हूँ कि एक्शन इज सक्सेस। एक मेरी लाइन है जो आप मेरे पेज पे भी देखोगे कि एक्शन इज सक्सेस। तो गाइज, ये क्या है? तो ये वो चीज है गाइज जो आपको रोकती है एक कदम आगे बढ़ाने से। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर कर लें, हम और भी चीजों को सही से देख लें कि ये होता कैसे है, वो होता कैसे है, वो होता कैसे है, और इस चक्कर में हम एक्शन लेते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना नॉलेज आ जाता है हम उसको इनफ समझते नहीं है और एक्शन नहीं लेते। और यही चीज मैं भी कर रहा था बहुत ही लॉन्ग टाइम से, और इसीलिए मुझे सालों साल लगे एक स्टेप आगे लेने में, बिकॉज मैं सोचता था कि सारी चीज जब मैं जान जाऊं तब मैं स्टार्ट करूंगा, और इस तरह आगे टाइम बढ़ता गया। एट द एंड जब मुझे लगा हाँ अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, देन मैं जाके स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप टाइम वेस्ट ना करें, और अगर आप अभी भी फेल हो रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। नेक्स्ट, सो गाइस, जो दूसरा सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम नजर आता है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेजेस। यस, लैंडिंग पेजेस जो है वो सबसे बड़े अपवाद चीज है इन सीपीए मार्केटिंग। देखो, लैंडिंग पेज जितना ज्यादा आप बेटर बनाओगे उतना अच्छा है। लैंडिंग पेजेस के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं जो आप देख सकते हो ऑन चैनल, अगर आपको नहीं पता कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। जब आप लैंडिंग पेज सही बनाओगे तभी आपका आरओआई अच्छा खासा जनरेट होगा, अदरवाइज आपका आरओआई अच्छा खासा जनरेट नहीं होगा। तो प्लीज लैंडिंग पेज पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, उसको ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करो, और उसके लिए प्रोफेशनल चीजें यूज करो, और इन वीडियोस को जरूर देखो। नेक्स्ट गाइस, दैट इज कॉल्ड एड्स, एड सेट्स। गाइस, जितना ज्यादा एड सेट्स हो उतना ज्यादा एड सेट बनाओ किसी भी एक ऑफर के लिए, बिकॉज आप नहीं जानते कौन सा एड सेट परफॉर्म करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है। और यही मैं गलती करता था कि मैं एक एड सेट यूज करता था हमेशा, बट मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है कि आप अनेक एड सेट्स को यूज करें, बिकॉज एड सेट्स ही हैं जो लोगों को दिखते हैं, लोग वहां क्लिक करते हैं एंड देन आपके लैंडिंग पेज पे आते हैं। तो एडसेट में भी ज्यादा से ज्यादा टाइम दो प्लीज। नेक्स्ट गाइस, जो फोर्थ है, दैट इज कॉल्ड कैश प्रॉब्लम। गाइस देखो, मुझसे डेली के डेली, मतलब नहीं भी तो 10-15 लोग यही एक क्वेश्चन करते हैं कि मैं कितने पैसे सीपीए मार्केटिंग में ले गया हूं। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी समस्या। देखो, किसी भी एक ऑफर पे आपको 3 गुना लगा के उसको चेक करना होता है, सिर्फ चेक करना होता है। अब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप $2 के ऑफर उठा तो आपको $8 वहां पर लगाने हैं, या तो $6 या तो $8 आपको वहां स्पेंड करने ही करने हैं। तो अब आप कैलकुलेट करो, अगर आप 10 ऑफर यूज करते हो तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर मैं 6 के हिसाब से करूँ तो $60 तो आपने ऐसे ही इन्वेस्ट। इस मीन कि अगर आप सीपी मार्केटिंग में आ रहे हो तो आपके पास एड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लाइक 20-30,000। यस, 20-30,000, और गारंटी अभी भी नहीं है कि आपका जो एड है वो परफॉर्म करने वाला अच्छा, या उनमें से एक एड जो है वो परफॉर्म करने वाला अच्छा। तो जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो प्लीज, आप जब भी सीपी मार्केटिंग में हो तो आपके पास अच्छा इनफ अमाउंट होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैजिक होगा आपके साथ और आप $50 लगाओगे और आप इतनी सारी अर्निंग कर लो।
मुझे पता है कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि उन लोगों ने $50 लगाया, $60 लगाया और इतनी अर्निंग की गाइस। लेकिन इससे पहले की कहानी उन लोगों ने आपको नहीं बताई कि उससे पहले उसने कितना सारा उस पे स्पेंड किया, फिर जाके वो $28 उसको $500 या $300 या $400 कन्वर्ट कर दिया। उससे पहले उस बंदे ने नहीं भी तो 800, 600 या उससे भी कई ज्यादा डॉलर लगाए होंगे उस एक चीज को हासिल करने के लिए, कम लगाए होंगे या कभी कभी मिरेकल हो भी जाता। तो मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा नहीं होता, बट 99% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ऐसा ही होता है कि 10 में से 20 में से सिर्फ एक या दो या तीन जो एड्स होते हैं वो काम कर जाते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आपने जितना भी इन्वेस्ट किया सारी राशि आपको वापस मिलती है। बट उससे पहले आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए जो आप स्पेंड करो, और यही मेरी बहुत बड़ी तकलीफ, इसीलिए मैं बहुत टाइम लगाया सीपीए में अपग्रेड करने, बिकॉज मैंने पैसों को कलेक्ट किया देन अपग्रेड। तो ये जो चार चीजें मैंने आपको समझाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो एट द एंड गाइस, ये जो पांचवा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड चलो और देखते हैं। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चलो और देखते हैं। आपको हंसी आ रही होगी ये क्या टॉपिक है चलो और देखते हैं। चलो और देखते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। आजकल क्या है, आपके पास इतना ज्यादा वैरायटी है, इतना ज्यादा आपके पास चैनल्स है, इतने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस है कि आपका एक चैनल से पेट नहीं भरता है। हाँ, आप सही सोच रहे हो कि आप यहाँ एक वीडियो देखते हो, दूसरे चैनल पे एक वीडियो देखते हो, तीसरे चैनल पे एक वीडियो देखते हो, तब भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने काफी अच्छा खासा नॉलेज गैदर कर लिया है। बट आप क्या करते हो, फिर नेक्स्ट चैनल देखते हो, फिर नेक्स्ट चैनल देखते हो, फिर नेक्स्ट चैनल देखते हो, और यही चीज में आप अपना डाटा भी गवाते हो, टाइम भी गवाते हो और कभी एक्शन नहीं ले पाते हो। तो चलो और देखते हैं ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। प्लीज ऐसा ना करो, एक ही चैनल को, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे बने रहो, आप किसी भी एक चैनल को पकड़ो और वहां से स्टार्ट करो। प्लीज स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट। चलो और देखते हैं जो आजकल चल रहा है उसको छोड़ो। हमारे पास पहले बहुत कम ऑप्शन था और हम लोग एक ही चीज से स्टिक होते थे एंड वहां से स्टार्ट करते, बट आज ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आपको एक चीज से सेटिस्फाई आप नहीं होते हो एंड अलग 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 चीजों के पास जाते हो एंड अपने आप को कंफ्यूज करते हो, एट द एंड आप एक्शन नहीं ले पाते। चलो और देखते हैं, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। प्लीज ये पांच चीजों का ध्यान रखो और इन पांच चीजों को सही से निभाओ, तब आप जाके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे इन सीपी मार्केट। इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिले। सी यू नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।